कानून लाया गया इसमें चकबंदी का, चकबंदी लेखपाल भी होते हैं, उसकी वैकेंसी आती है, बहुत सारे लोग उसका फॉर्म भरते हैं। एक राजस्व लेखपाल होते हैं, एक चकबंदी लेखपाल भी होते हैं, ठीक है। तो 1980, और इनकी बड़ी वैल्यू होती है, इनकी बड़ी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है। एक बार एक पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में सारे लोग बैठे हुए थे, अपना दादाजी लोग भी आए थे, पुराने बूढ़े लोग बैठे हुए थे, अपना बातें हो रही थी, पार्टी थी, एक लड़का सेलेक्ट हुआ था, वो IAS बना था, उसी की पार्टी चल रही थी। तो दादा ने अपना जलेबी वलेबी खाई, जवान अपना लहराते हुए थोड़ा सा मुंह फेरा, कहे ये बताओ ये लड़कवा हुआ का है, छोरो हुआ का है। तो पता चला कि छोरो जो है वो IAS हुए हुआ है। तो कहे कि चलो ठीक है, IAS हो गए हुए, लेकिन तनिक और मेहनत कर ले तो पटवारी हो जाते। चलो कोई बात नहीं, IAS हो गए रह गो, कम से कम उनका गुजर बसर तो हो जाए। अब आप सोचिए कि कितनी वैल्यू होती है, जो पटवारी की वैल्यू है वो IAS की वैल्यू भी लोग नहीं समझ रहे। वैल्यू क्यों, किस लिए? क्योंकि उनके डायरेक्ट टच में रहते हैं। यही चकबंदी कानून इनकी वैल्यू बढ़ा देता है। वैसे भी राजस्व लेखपाल की कम वैल्यू नहीं होती, उनकी भी बहुत वैल्यू होती है। कुछ भी आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करना है गांव में, तो वहीं से ओरिजिनेट होता है, फिर ऊपर जाता है, वही लाके आपको देता है, कुछ भी आपको देना करना है। तो चकबंदी कानून में 1980 के दशक की बात है, सभी राज्यों में कानून बना दिया गया, लेकिन शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें प्रयास किए गए, बिहार में भी प्रयास किए गए लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, पश्चिम बंगाल में भी प्रयास किए गए लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, वहां लागू ही नहीं हो पाया है। लेकिन इन क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा इसमें आया। तो इसमें क्या किया गया, चक को इकट्ठा किया गया कि भूजोत का आकार बढ़ जाए। मान लीजिए इनके एक तो चीज ये है और दूसरा